दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दफ्तर में अंग्रेज़ी कैसे बोल सकते हैं दफ्तरी इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल दफ्तर में इंग्लिश इंग्लिश एट द ऑफिस। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। जी हाँ, मैं आपके काम किस तरह आ सकता हूँ, येस श्योर, हाउ मे आई बी सर्विस टू यू। जब आपने क्लाइंट से बात करनी हो या बॉस से बात करनी हो तो उससे आप ये नहीं कहेंगे कि हाउ मे आई हेल्प यू, आप कहेंगे हाउ मे आई बी सर्विस टू यू, येस श्योर, हाउ मे आई बी सर्विस टू यू, हाउ मे आई सर्व यू। जिस तरह यहाँ पे है, जी सर बिल्कुल, मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकता हूँ, येस सर श्योर, हाउ मे आई सर्व यू, हाउ मे आई सर्व यू। मिस्टर ए बी सी या मिस सी डी एफ बॉस आपको कॉल कर रहा है, इस चीज़ को इंग्लिश में हमने कहना है तो हम कहेंगे मिस्टर ए बी सी या फिर मिस सी डी एफ बॉस इज कॉलिंग यू, मिस्टर ए बी सी बॉस इज कॉलिंग यू। हम 4 बजे मीटिंग कर रहे हैं, बराए मेहरबानी वहाँ पर होना। वी विल होल्ड अ मीटिंग एट 4 o'clock, प्लीज़ बी देयर। या सिंपली आप कह सकते हैं वी विल होल्ड अ मीटिंग एट 4, प्लीज़ बी देयर। वी विल होल्ड अ मीटिंग एट 4, प्लीज़ बी देयर। बिल्कुल, मैं वहाँ पर हूँगा। अब इसका ये जवाब हो सकता है, या फिर माफ़ करना, मैं मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकूँगा। तो ये दो जवाब हो सकते हैं कि 4 बजे मीटिंग में होना, श्योर आई विल बी देयर, श्योर आई विल बी देयर, या फिर सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, सॉरी माजरत, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूँगा। क्या आप मुझे एक कप काफ़ी ला के दे सकते हैं, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, या फिर किसी को कहना यार मुझे कॉफ़ी ला दो, प्लीज़ गिव मी सम कॉफ़ी, प्लीज़ गिव मी सम टी, ठीक है, प्लीज़ गिव मी सम कॉफ़ी। बराहे करम मुझे मिस्टर ए बी सी की फ़ाइल ला दें, प्लीज़ ब्रिंग मी मिस्टर ए बी सीज फाइल, प्लीज़ ब्रिंग मी मिस्टर ए बी सीज फाइल। हम दोपहर के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ शामिल होना पसंद करेंगे, वी आर गोइंग आउट फॉर लंच, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, वी आर गोइंग आउट फॉर लंच, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, वुड यू लाइक टू जॉइन अस। हम रात के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर, वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमें शामिल होना पसंद करेंगे। मुझे भूख लगी है, चलो जल्दी से कुछ खाने के लिए उठा लाएं, आई एम हंग्री, लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट। क्या किसी को चाय चाहिए, मैं चाय लेने जा रहा हूँ, डज एनी वन वॉन्ट टी, क्या कोई चाय चाहता है, आई एम गोइंग टू ग्रैब माई कप, मैं अपना मग्गा मैं अपना प्याला पकड़ने जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं चाय लेने जा रहा हूँ। डज एनी वन वॉन्ट टी, आई एम गोइंग टू ग्रैब माई कप। आप ये कैसे करते हैं, हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू डू इट।
मैं ईमेल नहीं भेज सकता। आप कैसे करते हैं? I can't send emails. How do you do it? I can't send emails. How do you do it? I can't make a photocopy. How do you do it? मैं फोटोकॉपी नहीं बना सकता। आप कैसे करते हैं? आप प्रेजेंटेशंस में आवाज़ें कैसे डालते हैं? How do you import sounds in presentations? How do you import sounds in presentations? मेरी एक तजवीज़ है, क्या मैं कुछ तजवीज़ कर सकता हूँ? जब आप ऑफिस मीटिंग्स में बैठे हों तो आप कहेंगे आई हैव अ सजेशन, या फिर मे आई सजेस्ट समथिंग, आई हैव अ सजेशन। सजेशन टी सजेस्टशन नहीं है ये, ठीक है, यह है सजेशन, या फिर मे आई सजेस्ट समथिंग। मेरे पास आइडिया है, क्या आप इसे शेयर कर सकते हैं? अगर कोई कहे कि मेरे पास आइडिया, तो आगे से आप कहेंगे क्या आप उसे शेयर कर सकते हैं? आई हैव एन आइडिया, कैन यू प्लीज शेयर इट? आई हैव एन आइडिया, कैन यू प्लीज शेयर इट? ये एक दिलचस्प नुक्ता है, लेकिन मेरी राय में ये काम नहीं करेगा। आप डायरेक्ट जब ऑफिस में बैठे हों तो ऑफिशियल लैंग्वेज में आप डायरेक्टली ये नहीं कहते नहीं नहीं ये नहीं काम करेगा, चल चल, बल्कि आप कहते हैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, या फिर इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बट इन माई ओपिनियन इट विल नॉट वर्क, या फिर हाउ एवर भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाउ एवर इन माई ओपिनियन इट विल नॉट वर्क, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बट इन माई ओपिनियन इट विल नॉट वर्क, या इट वॉन्ट वर्क, विल नॉट को शॉर्ट करके आप वॉन्ट भी कह सकते हैं। मैं वजाहत कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम डैश 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 डैश, तो आगे से आप क्या जवाब दे सकते हैं? अगर कोई कहे कि ये वर्क नहीं करेगा, तो आप कहेंगे आई कैन एक्सप्लेन, आई थिंक इट विल वर्क इफ़ वी फॉलो दीज पॉइंट्स और इफ़ वी डू इट लाइक दिस, कुछ भी। आई कैन एक्सप्लेन, आई थिंक इट विल वर्क इफ वी ब्ला ब्ला ब्ला। क्या आप मुलाकात के मिनट्स लिख सकते हैं? मुलाकात में जो मीटिंग में जो अहम बातें हो रही हैं वो नोट डाउन कर सकते हो? कैन यू प्लीज़ राइट डाउन द मिनट्स ऑफ मीटिंग? कैन यू प्लीज़ राइट डाउन द मिनट्स ऑफ मीटिंग? मुलाकात के मिनट कौन ले रहा है? मुलाकात यानी कि मीटिंग के बारे में अहम चीज़ें कौन नोट कर रहा है कि क्या क्या डिस्कशन हो रही है? तो इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ टेकिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग, हु इज़ टेकिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग। मेरा कंप्यूटर जवाब नहीं दे रहा है, माई कंप्यूटर इज़ नॉट responding, my computer is not responding, please इसको restart करें, क्या आपने इसको restart करके देखा? please restart it, did you try restarting it? please restart it, did you try restarting it? तो कोई आपका काम कर ले तो आप कहेंगे thank you very much, now it works, अब ये काम कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये छोटा सा ट्यूटोरियल था कि हम ऑफिस में इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।